हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मेरा चौथा दिन 75 हार्ड डे चैलेंज का। तो मैं अपना मॉर्निंग वॉक से फ्री होके जिम गया, तो जिम में आज मुझे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना था। और फ्रेंड्स, आपको अपना बाइसेप्स बड़ा करना है तो आप ये वाली एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में ऐड करें ताकि आपका बाइसेप्स बड़ा हो जाए, और ट्राइसेप्स चौड़ा करना है तो आप ये वाली एक्सरसाइज ऐड करें। ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी और बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट फ्री करके फिर मैंने जिम के कांच में अपना पोजिंग किया। तो पोजिंग करते समय मेरी बॉडी कुछ इस तरह दिख रही थी, और ये पोज कर और मैं जिम में बॉडी पोजिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और ये वाला मेरा फेवरेट पोज है। तो आप कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और बॉडी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। अपना वर्कआउट से फ्री होके मैं पहुंचा घर। घर में मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंप्लीट किया। उसके बाद मैं गया मार्केट। तो मार्केट में आज मुझे मेरी गाड़ी की मार्केट से फ्री होके वापस मैं आया घर, और घर आके अपना वाटर टास्क जो कि है वो तो मैंने पूरा किया। तो 4 से 5 लीटर ज़्यादा ही पानी मैं पी लेता हूँ दिन भर में। उसके बाद मैं और मेरे भैया दोनों गए ग्राउंड। तो दोनों भाई हम 2 किलोमीटर की वॉक कर रहे थे। वॉक करने के बाद हम दोनों भाइयों ने रेसलिंग की प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में ऐसे कुछ दाव वगैरह हम लगा रहे थे, इससे हमारा स्टेमिना ग्रो होता है और स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इधर रेसलिंग की प्रैक्टिस हुई ख़त्म, फिर मैंने लगाए सपाटे ऑन ग्राउंड, वो भी शर्ट लेस होके। तो बॉडी बड़ी खतरनाक लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे 25-25 के 3 सेट लगाए। फिर यहाँ पे मेरे सपाटे हुए ख़त्म। सपाटे ख़त्म होने के बाद मैंने पुशअप्स लगाए 20-20 के 2-3 सेट। पुशअप्स लगाने के बाद मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो फ्रेंड, स्ट्रेचिंग करने से मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, जिसकी वजह से मैं स्टंट कर पाता हूँ। घर आके मैंने फिर उसके बाद विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, जो लगातार पवित्र विचार बनते रहें बुरे संस्कारों को दबाने के लिए, यही एकमात्र संसाधन है। और यह है आज की मेरी पिक। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।